ही व्हाट्सअप गाइस, आप लोगों के लिए हमारे और एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आप लोग कैसा है, आई होप आप लोग बढ़िया है। तो बढ़िया रहना। तो गाइस आप लोग तो टाइटल एंड थंबनेल देख ऑलरेडी पता चल चुका है जो आज का वीडियो ने बुलाया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों से बाद में बात करते हैं। तो गाइस फाइनल गेम को स्टार्ट कर दिया, जो कि इधर मेरा साथ है रैंडम प्लेयर है, जो कि वो भी अच्छा खेलता है। आप लोग गेम प्ले देखो तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा जो कैसा खेलता है, जो कि बट मैंने उसका साथ एक गेम हारा भी है एक मैच, तो उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा है जो कैसा खेलता है। और वो बंदा है ना ऐसा खेलता है जो कि कवर से बाहर ही नहीं निकालता है, ऐसा करके खेलता है। और अगर निकालते भी है वो डिजिट लेके ऐसे घूमता है, तो मेरे को ये चीज़ बहुत ही बुरा लगता है। जो खेलना है तो मोमेंट दिखा के खेलो, मरना है तो सही तरीके से मरो। ऐसा क्या वन टैप वगैरह, या ये बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है। तो गाइस फाइनली उनको वन टैप दे दिया, उनको पता चल गया जो कि मेरा भी डिजाइट का हेड शॉट थोड़ा बड़ा लगता है, जो कि अब लॉन्ग रेंज का फाइट लेने का वो छोसे का भी नहीं है, जो कि फिलहाल उसने भी उसको भी मालूम पड़ गया जो कि एक डिजाइट का पड़ गया ना, तो अब वो लॉन्ग रेंज का तो आएगा नहीं। तो फिर मैं वो जैसा खेलना चाहते हैं तो मैं भी ऐसा ही ट्राई कर रहा हूँ, बट मेरा हेड शॉट इतना ज़्यादा लगता नहीं है डिजाइट का, एंड मेरा MB40 का बहुत ज़्यादा हेड शॉट लगता है। होने से MB40 से लगने से क्या होगा, लेकिन मेरा MB40 का एबिलिटी अच्छा नहीं है ना, इसके वजह से जा 5-6 लगातार लगना चाहिए जो कि हेड शॉट, तब जाके बंदा अभी भी दिखो लगा था क्या लगा है। ये गरीना है ना टट्टी गेम बना के रखा है, देखना इस बंदे का हेड शॉट फेक डैमेज दिखाया है, मैं फिर मारूंगा इनको। उसका पास स्काइलर नहीं है, उसका पास जो कि हांगकांग है, तो ये बंदा इतना जल्दी मेरे भी मार नहीं पाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिखाई दिया है हेड लगा है, तो वो काउंट नहीं हुआ मेरा हिसाब से। तो अभी इधर मैं दो गोली मारूंगा, फिर इसका बाद और एक बॉडी लगेगा, फिर भी नहीं मरेगा, देख लेना थोड़ा ध्यान से देखना। तो गाइस आप लोगों को गेम प्ले कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, एंड अगर मेरा साथ आप लोग गेम प्ले करना चाहते हैं तो मेरा साथ आप लोग गेम खेल सकते हैं एंड वीडियो भी बना सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहे तो मेरे साथ वीडियो बनाओ या गेम खेलो, तो आ जाओ ज़रूर कमेंट में, आपका UID डाल दो, तो मैं आप बोलना है जो कि तुम्हारा साथ खेलना है ऐसा करके बोल देना, एंड आपका UID डाल देना, तब मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो आप आ जाना, जब आते रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, जो कि मेरा गेम में नाम है DS मम्पी करके नाम है मेरा, जो कि गेम में जो नाम है तो वो नाम रहेगा, तो आप एक्सेप्ट करके आ जाना जब भी ऑनलाइन आते हैं तो आना। तो मैं ज़्यादातर रात में ऑनलाइन रहता हूँ, तो 10-11 बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ। अगर आपको खेलना है एंड मेरा साथ वीडियो बनाना है तो आप लोग आ सकते हैं। अगर मेरे साथ डायरेक्टली बातचीत करना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का लिंक, जाके उधर फॉलो करके मेरे साथ बात करो एंड कॉल भी कर सकते हैं उधर। तो गाइस अगर आप लोग को आपका भाई का ज़रूरत है तो आप लोग बिल्कुल जाके उधर से बात कर सकते हैं एंड फॉलो करके तो आप लोग जरूर कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को गेम प्ले कैसा लगता है मेरे को मालूम नहीं है, जो कि आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना तो गेम प्ले कैसा लगता है। एंड साथ ही साथ इस बंदे को तो थोड़ा सा डैमेज दिया है बट काम नहीं हुआ है, हेड लगना है तो इतना ज़्यादा हेड शॉट लगता भी नहीं है मेरा, कम ही लगता है ज़्यादातर, क्या ही बोलो आप लोगों को। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तब जाके तुम्हारा भाई अच्छा वाला डिवाइस ले पाएगा एंड हेडशॉट का भी आप लोग देखने को मिलेगा। तो गाइस तुम लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है, तो गाइस तुम लोग सपोर्ट नहीं करते यार, बराबर यूट्यूबर को तुम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं एंड लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। क्या तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा मेहनत करता है, तुम लोग क्या एक लाइक या एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, इतना ही तुम लोग कमजोर है क्या? तुम लोग भी तो छोटा छोटा, तब वो लोग जो बड़ा यूट्यूबर जो है ना वो लोग भी तो कभी भी छोटा था, उन लोगों को तो आप लोग सपोर्ट करके इन लोगों को उस मकाम तक लेके गया और वो लोग अच्छा गेम प्ले कर पाते हैं एंड उसका पास अच्छा डिवाइस भी है। तो अगर आप लोग भी ऐसे मेरे को भी सपोर्ट करेंगे तो मैं भी अच्छा डिवाइस ले पाऊँगा एंड अच्छा गेम प्ले भी दे पाऊँगा। तो ऐसा देखो है जो कि बड़ा बड़ा यूट्यूबर को आप कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई नहीं देता है, मेरे को ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। मेरे को कमेंट करो, मैं हर चीज़ का आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो बड़ा बड़ा यूट्यूबर बोलते हैं इंस्टाग्राम में बात करो, आप लोग अगर रिप्लाई होना है तो उधर बात करो, उधर भी फॉलो करके उधर भी मैसेज करते हैं तो उसका भी जो कि रिप्लाई नहीं मिलता है।
तो तुम लोग एक छोटा सा भाई को सपोर्ट करके देखो यार, तुम लोगों का रिप्लाई मिलता है क्या नहीं मिलता है बाद में मेरे को कमेंट करके बोलो। अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो आप लोग गाली भी दे सकते हैं मेरे को, मैं बिल्कुल ये सच बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को रिप्लाई में नहीं दिया तो आप लोगों का कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जो कि आगे वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस अगर आप लोग कमेंट करेगी एंड लाइक करेगी एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगी तब जाके तुम्हारा भाई को अच्छा लगेगा एंड आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस चलो अब गेम की तरफ बात करते हैं, जो कि मेरा इधर 5 राउंड ऑलरेडी हो चुका है, इस बंदा का 3 राउंड हुआ है जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। मेरा गुली नहीं लग रहा, ये देखो, अरे यार मेरा गुलवल नहीं गिरता इस वक्त में, तो नेट भी मेरे साथ यही करता है। ये देखो 164 में चल रहा है नेट पिन, ऐसे कैसे चलता है, ऐसे नहीं होता ये, अब डैमेज देगा तो काउंट नहीं होगा, फिर कम गया ऐसा अप डाउन करता है ना ये। हैदराबाद में ना इंटरनेट का देखो, फिर से देखो 164 का हो गया था, ये हैदराबाद में है ना इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है, ये काम का नहीं है सिटी, ये नाम का ही सिटी है ये। अगर इस इतना बड़ा सिटी है, इस इतना बड़ा सिटी में अगर इंटरनेट की दिक्कत करेगा तो बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अच्छा भी दिखाई भी नहीं देता है, जो कि फ़िलहाल अब ज़माना है इंटरनेट की ज़माना है। अगर इस ज़माना में ऐसा इंटरनेट चलेगा तो टट्टी, अब तो मोबाइल के नेट से अब गेमिंग खेल ही नहीं पाओगा, ऐसा है हैदराबाद में। अब मैं वाईफाई के थ्रू खेल रहा हूँ, फिर भी देखो कितना में पिन चला जाते हैं, कभी कभी तो खेल भी नहीं पाता हूँ, ऐसा होता है जब बंदा सामने आ जाता है ना तो अब इतना ज़्यादा पिन हाई हो जाता है, जो कि मैं डैमेज देता हूँ वो डैमेज काउंट ही नहीं होता, ऐसा होता है। तो गाइस कोई नहीं, फिलहाल फिर भी मैं इतना बावजूद भी मैं कोशिश करते रहा तो और आगे भी करते रहूँगा, और आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अगर आप लोग सपोर्ट करेगी तो तुम्हारा भाई आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस यार बिल्कुल फ्री होता है, तुम लोग सपोर्ट करो तुम्हारा भाई को एंड तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा खासा लेके भी आ सकते हैं, तो इसके वजह से तुम लोग तुम्हारा भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा भाई जिस मकान तक जाना चाहते हैं ना उस मकान तक बिल्कुल बच जाएगा, तुम लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। तो गाइस ये लास्ट राउंड है जो कि 6v6 हो गया बराबर मुकाबला में, अरे इस बंदा का तो कम तमाम। तो गाइस फाइनली हमने गेम जीत लिया, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर सेलेक्ट करके रख देना, ताकि आगे भी ऐसे रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलो गाइस ऐसे किसी और एक नया वीडियो के साथ मिलते हैं एंड नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय गाइस, ऑल द लव यू गाइस।